वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। आज हमारे मेहमान भी बहुत खूबसूरत हैं और उनके साथ हम बहुत खूबसूरत सी बातें करने वाले हैं। जनाब, आप समटाइम्स हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं थोड़े, और उनको हम कहते हैं कि उनके बिहेवियर्स और हमारे बिहेवियर्स उनके साथ कैसे होने चाहिए, और हम कहीं ना कहीं उनको ये भी समझते हैं कि अल्लाह ताला अगर उनसे कोई एक चीज ले लेता है तो उनको बेतहाशा नवाजता है। लेकिन उनकी जो स्किल्स हैं उनको किस तरह से आपको समझना है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, ये आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगी रहीला खादिम जो कि सोशल वर्कर भी है, और उसके साथ साथ डॉक्टर राफिया रफीक होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर राफिया। बहुत दिनों बाद आई है हमारे पास। मैं हज पे गई हूं। हज पे गई हुई थी, जबरदस्त। और डॉक्टर राफिया जनाब कल ही आई है वापस और आज ही हमारे पास आ गई है। तो डॉक्टर राफिया, हम सबसे पहले स्पेशल किड्स के हवाले से बात करते हैं। तो स्पेशल कट वर्ड जब हम यूज कर लेते हैं, क्या इसके पीछे एक बैकग्राउंड हम कहें? देखिए, ये अभी कुछ रिसेंट सी टर्मिनोलॉजी है। पहले हम लोग बहुत स्टिग्मेटाइज्ड किस्म की टर्मिनोलॉजी यूज करते थे कि मेंटल रिटार्डेशन और वो एबनॉर्मल, इस तरह के वर्ड्स यूज करते थे। लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इतना स्टिग्मा क्रिएट कर देता था ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में, इतना स्टिग्मा है इन लोगों के लिए, तो ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज जो के है डिसेबिलिटी की आ रही हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड, फिर उसके अंदर ऑटिज्म भी आ जाता है, उसके अंदर हमारा ADHD है, हाइपर एक्टिविटी है, और उसके अंदर टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स भी हैं, कंडक्ट के डिसऑर्डर्स भी हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें हम वो चीज़ें हैं जो कि स्पेशलाइज जिनमें नीड्स हैं और जो हम उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो ये इस टर्म के अंदर ये सारी चीज़ें फॉल करेंगे। जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो हम उनके साथ ट्रीटमेंट, उनका रवैया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग बहुत ओवर केयर भी करते हैं, कुछ बहुत वो अंडर। असल में लोगों को देखिए अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चे कौन है, क्योंकि कोई भी चीज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी जो कि एवरेज नहीं होगी, तो लोगों का एक डिफरेंट उसकी तरफ जो है वो एटीट्यूड होगा, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने इस चीज़ को जो है एक नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले आए हैं, जिसकी वजह से लोगों का एटीट्यूड इतना डिफरेंट नहीं है, या डिफरेंट होगा या इनडिफरेंट होगा। लोग बिल्कुल या तो बहुत गौर से देखेंगे इन बच्चों को, स्टेयरिंग है, और वो बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है, क्योंकि एक वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, और लाइफ लॉन्ग है बहुत ज्यादा चीजें, जैसे अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो ये एक लाइफ लॉन्ग चीज है जिसके साथ कोप करना है पेरेंट्स ने भी, बच्चे ने भी। तो वो ये होता है कि जब स्टिग्मा हो जाता है इस तरह की स्टेयरिंग से, इस तरह के रवैये से जो हमारे जनरल पॉपुलेशन का है, अक्सर लोग पूछेंगे ये बच्चे को क्या मसला है और मुंह पे पूछ रहे हैं, और वो बच्चा फील करता है। देखिए, ये इतनी बच्चे में अवेयरनेस कई दफा होती है, बहुत सीवियर रिटार्डेशन हो फिर नहीं, फिर ऑटिज्म है उसमें बच्चों की सोशल स्किल्स इस तरह डेवलप नहीं हुई होती, ऑलरेडी नहीं हुई होती, फिर जो है लोगों का रवैया, फिर पेरेंट्स की उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक उनकी सिचुएशन हो जाती है। तो मेरा ख्याल में जो सेंसिटिविटी है हमारी पॉपुलेशन की, जनरल पॉपुलेशन की, वो इस तरह बेहतर हो सकती है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। ठीक हो गया। रहीला, आपकी जानिब आएंगे, हम स्पेशल बच्चों की बात करें। आप जिस तरह से डॉक्टर राफे ने टर्म की, हम इस टर्म का बैकग्राउंड आपसे भी थोड़ा जाने, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली बहुत ही वो एक कह लें ना हार्श किस्म के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, टाइम के साथ से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ डॉक्टर साहबा की तमाम बातों के साथ। देखिए, मैंने दो तीन जो है उसको नज़र से देखने की कोशिश करूँगी कि एज ए मदर, एज ए पॉलिटिशियन और एज ए सोशल हम रहने वाले लोग, बात यह है कि बिल्कुल अगर देखा जाए मेरी नज़र से, मैं एक माँ हूँ, अगर मेरे बच्चे को कोई इस तरह से देखे तो वो मेरे लिए बड़ी मसला खड़ा हो सकता है। मेरा बच्चा जो है वो तो पहले ही सफ़र कर, लेकिन पेरेंट्स उसके साथ जरूर हमारी सोसाइटी में सफ़र कर रहे होते, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी अहम बात है कि हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यूरोप के अंदर अगर देखें, वाकई वहाँ लोग हेल्प करते हैं, मदद करने को आ जाते हैं, यानी कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं ऐसे बच्चे के साथ तो इर्द गिर्द के बैठे हुए लोग उस पेरेंट्स के साथ बिल्कुल हेल्पर की तरह काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कहा सोचा जाता है कि ज़रा फासला ही रहना चाहिए इन लोगों के साथ, ज़रा हम फासला करके बैठे, और ये बड़ी इससे सिर्फ हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अगर आप इसे ये समझे, हमारा और आपका जो रवैया है वो उनको और उस प्रॉब्लम के अंदर ले जाता है, जहाँ बजाय हम उनको निकालने के,
देखिए वहाँ पर, वहाँ पर सबकी एजुकेशन के अंदर, नॉर्मल एजुकेशन के अंदर वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हमारे यहाँ वो स्पेशल है, क्यों? उसके रीजन भी है ना, हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को अगर टांगों की डिसेबिलिटी है तो वो उसको अजीब नाम से, अलहदा से नाम से पुकारा जाएगा, अगर उसके हाथों में प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक अलहदा सा नाम हमने एक फिक्स करके रखा हुआ है हमारी सोसाइटी ने, इस तरह से हमने उनके नाम रख दिए हैं कि ये है, इसको अगर किसी बच्चा, हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि ये अगर स्पेशल बच्चा आपके साथ खड़ा है तो आपने उसके साथ अपना रवैया क्या रखना है। मीन्स ये कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम चलती आ रही है और चलती आ रही है और हम उसको रिजॉल्व करने की तरफ जा ही नहीं रहे। असल प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर आके खड़ी हो रही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं, वो हमें तालीम देने में नाकाम जा रहे हैं। वहां पर आप जितनी मर्जी लेजिस्लेशन, अब 2015 में भी हमने रिहैबिलिटेशन की, पंजाब असेंबली ने एक जो है वो अमेंडमेंट की है एक्ट के अंदर उसकी डिसेबिलिटी के लोगों के लिए, तो स्पेशल बच्चों के लिए हमने उसके अंदर किया, लेकिन क्या करेगी हुकूमत जब लोगों का, आम लोगों का रवैया उनके मामले में इस तरह का होगा। सो मैं ये समझती हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को नए सिरे से बताना पड़ेगा कि हमें इंसानियत को साथ लेकर चलना है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर आफिया। जैसे राहिला भी अभी कह रही है कि हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस की कमी है, वन हम लोगों की क्या बात करें, घरों में अवेयरनेस की कमी है सबसे बढ़कर। घर वालों को किस तरह से एजुकेट करना है और जो बाहर वाले फिर उनको तो आहिस्ता आहिस्ता। घर वालों में पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत, साइको एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि उनके बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई दफ़ा पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद भी बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड होता है कि मेरा एक बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ रहा, और उनको ये नहीं रियलाइज होता कि उस बच्चे की एबिलिटी और उस बच्चे की एबिलिटी में कितना डिफरेंस है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी साइको एजुकेट करने की जरूरत है, और टीचर्स को। देखें टीचर्स, बहुत अच्छी बात की राहिला ने कि बाहर मेन स्ट्रीमिंग है, कि आपका जो स्पेशल बच्चा है वो भी केटर हो रहा है एक मेन स्ट्रीम क्लासरूम में, जो कि नॉर्मल बच्चे जिसमें जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीचर्स की उस तरह की टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। अगर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों तो वो टीचर्स भी अवेयर होती हैं और टीचर्स स्पेशलाइज्ड बच्चों को डील करने में उनकी स्किल्स होती हैं। तो हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीमिंग बहुत कम है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत अच्छे जिनमें हमारे स्पेशल बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स की ट्रेनिंग और पेरेंट्स की साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि आपका मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हम मीडिया के थ्रू या जो साइकोलॉजी की कम्युनिटी है, साइकेट्री की कम्युनिटी है, वो पैम्फलेट्स के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, फिर ऊपर से उनके, उनको खुद कई दफ़ा समझनी होती है कि हमने इस बच्चे को डील कैसे करना है। तो पेरेंट्स के लिए कोई काउंसलिंग ग्रुप्स हो सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, कि मुख्तलिफ पेरेंट्स जो इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं वो सब इकट्ठे बैठे और कोई एक स्पेशलाइज्ड बंदा उनकी सपोर्ट करे, हाँ जी काउंसलिंग करे। तो मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर हाफिज, जैसे आप कह रही हैं हम घरों में एटीट्यूड डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, को एक बच्चा जो अगर पढ़ रहा है उनका नॉर्मल है, जो एक स्पेशल बच्चा है उसको हमने बिल्कुल एक वो नौकर वाले का हिसाब दिया होता है, ये काम भी उससे करा लो वो भी कर लो। मैंने ये विटनेस की है चीज, मैंने ये चीज लिटरली विटनेस की, आई वाज शॉक्ड कि इनका बच्चा है बजाय इसके कि उसको मजीद स्पेशल एक रवैया दे, वो उसको बहुत ज्यादा करते हैं। असल में ये देखे ना, पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, कितने अवेयर हैं। अब जो एजुकेटेड क्लास है उसमें मेरे ख्याल में इतनी बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं लोग कर रहे, लेकिन ये कि हमारे जो आम पेरेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, तो अब वो प्रॉब्लम्स की भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड, आम बंदा जो है वो नहीं कर पाता कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम्स वेरी करती हैं, कई बच्चों में अडैप्टिव स्किल्स भी नहीं है, वो उनके साथ डील करना और मुश्किल होता है। और जो बच्चों में हम मतलब अगर ट्रेन करें, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं कि ऐसे बच्चे स्कूल जाएं, तो ज़्यादातर हम इनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, इनकी अडैप्टिव स्किल्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन पेरेंट्स को, पेरेंट्स भेजते नहीं हैं बच्चों को, वो कहते हैं हम इस बच्चे पे जो पैसा लगाएंगे बेहतर हम अपने दूसरे बच्चे पे लगाएं। तो वो बच्चे जब घर रहते हैं और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वो और उनकी जो है एबिलिटीज कम होनी शुरू हो जाती हैं, जो मॉडिफाई हो सकती हैं, जो अडैप्टिव स्किल्स एटलीस्ट उन बच्चों में क्रिएट हो सकती हैं, इतनी स्किल्स क्रिएट हों कि उनकी लिविंग स्किल्स आ जाएं, वो अपने कपड़े बदल सकें, वो अपना ख्याल रख सकें, वो वॉशरूम यूज कर सकें। लेकिन यह है कि वो उनको घर रख के कई दफा, तो ये भी हम लोगों ने विटनेस किया कि चेन कर देती हैं बच्चों को, क्यों? और उससे बजाय ये और एग्रेसिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों की कम्युनिकेशन जब खत्म करेंगे आप,
उनसे बात भी नहीं करेंगे. डिप्रेशन उन बच्चों में बहुत होता है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो एक कोमॉर्बिड कंडीशन भी साथ आ जाती है. तो बेहतर यह है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस से हम स्टार्ट करें और फिर टीचर्स की अवेयरनेस करें और फिर मेन स्ट्रीमिंग पे ऐसे बच्चों को लेके जाएं ताकि उनको ये रियलाइज हो कि हम भी बाकियों की तरह हैं और उनके लिए स्पेशलाइज्ड जो टीचर्स के कोर्सेज हम लोग करवाएं ताकि ये कि ये एक पूरा एक प्रॉपर जो है हम लोगों की एक कह लें कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम हो और फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम में आ जाए. इनिशियल लेवल पर रहिला बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, जैसे भी डॉक्टर राफिया आप दोनों इस चीज़ पे फोकस करें कि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है. स्टेट लेवल पर हमारे यहाँ अवेयरनेस उस तरह से नहीं होती है लोगों को. चले इंडिविजुअली तो आप नहीं, आप स्टेट लेवल पे कोई कैंपेन्स, कोई ऐसे सेमिनार्स, कोई ऐसे सेशंस, हम वो चीज़ बहुत लैक करते हैं. प्रॉब्लम पता क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर, जब भी आप मीडिया स्पेशली जब किसी बात को लेकर आगे निकलता है तो थोड़ी सी हाइप क्रिएट होती है, देन फिर स्टेट भी उसके साथ मिल जाती है, हाँ हमें ये काम करना चाहिए. जैसे अगर आप देखेंगे तो हमने वुमेन प्रोटेक्शन जब बिल पास किया तो मीडिया ने पूरा हमें सपोर्ट किया, हमने उसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की. फिर वो मुल्ला हजरात का भी शुक्रिया कि उन्होंने जनाब एक हमारे मुखालिफ कैंपेन चलाई जिसकी वजह से हमें और मौका मिला कि हम उस लोगों तक फैला सकें और हमें मौका मिल गया. सो ये भी एक ऐसी बात है कि मीडिया ये सबसे बड़ा एक हमारे पास एक हथियार बन गया ना, लोगों की एक्सेस हो गई है मीडिया तक, सोशल मीडिया तक. अब जैसे पिछले दिनों पानी डैम तो अवेयरनेस आई लोगों के अंदर और हम भी जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं कि जनाब पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें. इसी तरह हमें इस केस को भी लेना चाहिए, अगर थोड़ा सा मीडिया इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाए और फिर उसके साथ स्टेट भी मिल जाए तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया और हमारा मीडिया इतना स्ट्रोंग हो चुका है कि लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाने में कोई मुश्किल इतनी नहीं आएगी और लोगों को इसको अडॉप्ट करते भी मुश्किल. क्यों, हम बीइंग मुस्लिम हमारे कुछ दुनिया से थोड़ा हटकर हमारे लिए इंसानियत की बात की जाती है क्योंकि हमारा इस्लाम तो सारा इंसानियत के ऊपर खड़ा है. तो वो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इसको अडॉप्ट करना इतना मुश्किल नहीं होगा. हमारी चीजें यूरोप ने अडॉप्ट की, हम उनकी मिसाल दे रहे हैं, हम उनकी मिसाल दे रहे हैं. ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है जबकि उन्हें हमारी तरफ कहना चाहिए कि देखे ये तो हमारा वैसे शुरू से ही जो पॉजिटिव चीजें इवन हमारे रिलीजियस जो अक्सर ऐसे कह लें बिलीव्स हैं या जो भी ऐसी चीजें वो उनकी जानिब हमें नजर आती है. प्रैक्टिकल रिलीजन उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है. अच्छा हम एनजीओस की बात करें जो इदारे इनके लिए डॉक्टर आफिया काम कर रहे हैं, उन वो इदारे किस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब तक स्टेट उनका साथ नहीं देगी या वैसे ओवरऑल एक सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं. उसमें अंदर एनजीओस काम नहीं कर रही, एनजीओ जो भी बहुत कम काम कर रही है लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. इस तरफ इतना है भी नहीं, रुझान नहीं है एनजीओस का क्योंकि मैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ तो आई नो कि वो जो हॉट इश्यूज हैं उनको ज्यादा एड्रेस करते हैं लेकिन ये वाला जो टॉपिक है स्पेशल बच्चों का ये कहीं वो एड्रेस नहीं. राहिला देखें कि हमारे यहाँ पे एक ये एक और बहुत बड़ा मसला है कि लोग फंडिंग जो है ना वो स्पेशल बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा फंडिंग ले रहे हैं और मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है कि वो फंडिंग उस तरह यूज नहीं हो रही और इस वजह से ही प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है. उसमें उनका जो सब्जेक्ट है वो है वुमेन Children and special children. Women and children तो address हो रहा है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, but special children को जो वो ignore कर रहे हैं. बाल बिल्कुल genuine कह रही है कि funding तो हो रही है. जी फंडिंग स्टेट लेवल पे भी है, सब्जेक्ट गवर्नमेंट लेवल पे स्टेट लेवल पर ये है कि उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही. यूटिलाइजेशन तो उसमें यही है कि फिर वही बात आ जाती है कि आपकी जब गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी अवेयरनेस देनी चाहिए और वो जो हम लोग इस स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग हैं जो लोग स्पेशल बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, उन लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए और थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट इस चीज को एड्रेस करे. जब गवर्नमेंट करेगी और इंडिविजुअल लेवल पे हम करेंगे और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने सपोर्ट ग्रुप्स बना लें और ताकि ये कि वो खुद भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्पेशल थे और जिन्होंने स्पेशल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हैं. मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि आप अपना खुद ही सपोर्ट ग्रुप बन सकते हो कई दफा. तो ये है कि मेरा ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने स्पेशल बच्चों को अडेप्टिव लेवल पे लेके जाए ताकि वो एक माशरे का एक कह लें कि बहुत अच्छा जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. चले अगर वो नहीं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट एटलीस्ट वो अपना ख्याल रख सके, वो हमारे माशरे के लिए एक बर्डन ना बने. बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी है. बर्डन डेफिनेटली हमारे लिए नहीं है,
पेरेंट्स भी parents अगर आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए टफ टाइम डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि जब इस तरह का बच्चा है फैमिली एक नॉर्मल फैमिली में स्पेशल कई दफा ये होता है ना कि आपके ये जेनेटिकली भी कई प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो हम लोग करते हैं कजन मैरिजेस, इसकी अवेयरनेस कई दफा हम लोगों ने इस पे बात की है कि इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बहुत सी चीजें पहले पता चल जाती हैं, तो ये चीजों भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक तो ये कि आप जेनेटिक पूल लिमिटेड करते जाते हो, एक बच्चा नहीं फैमिलीज में तीन तीन बच्चे ऐसे सोचेंगे पेरेंट्स की अपनी मेंटल हेल्थ क्या होगी। और स्पेशली अगर आप इसकी रेटिंग चेक करेंगे तो आपको सदरन पंजाब में बहुत ज्यादा मिलेगी, यहाँ पर मेडिकल की हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पर इतनी नहीं है, तो वहाँ बच्चे पहले से जांच नहीं पाता डॉक्टर, तो वहाँ पे ज्यादा हमें ये प्रॉब्लम नजर आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक घर के अंदर दो दो तीन आप दोनों को मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगी, हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ बच्चे भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्पेशल बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर राफिया भी हैं, राहिला भी हैं, तो डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप देखते रहिए जागो लाहौर। तुझे सब है पता है ना मां,